सो हेलो ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट सीसेफ राउंड के भरोसे बैठे हैं आप बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ सीक्रेट्स उसके बारे में पता होना चाहिए, कुछ ट्रूथ उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, सीसेफ राउंड क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, जितने भी बचे कुचे सीट है उनके लिए। तो भाई, जो बचे कुचे सीट है वो कौन से बचे? ऑब्वियसली सी बात है, अच्छे सीट तो बचे होते नहीं है जोसा के बाद। तो उसमें जनरली आपको लोअर ब्रांचेस और उतने अच्छे, मतलब अगर कॉलेज भी है, अगर अच्छे NIT भी है थोड़े बहुत, तो उनके ब्रांचेस लोड, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जो बच्चे अभी आज के टाइम पे उतना पसंद नहीं कर रहे लेना, उस टाइप के ब्रांचेस बचे रहते हैं। और ज्यादातर CFTIs में सीट खाली रहती है सीसेफ राउंड में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप बैठो, आपको सीट मिल सकती है, उसमें प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन ये बात याद रखना कि उतना अच्छा जो आप सोच रहे होंगे ना, वो उतना नहीं मिल रहा, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सीसेफ राउंड एक जुआ होता है, अगर आपने उसमें पैसे दे दिए और आपको कोई भी ब्रांच अलॉटेड हो गई या कॉलेज अलॉटेड हो गए, और अगर आपने उसको नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, तो वो पैसे आपके चले जाएंगे, 35 से 40 हजार रुपए आपके चले जाएंगे। अगर अलॉट होता है तो वो आपको लेना पड़ेगा, और अगर अलॉट नहीं होता है तब तो वापस आ जाएगा। अलॉट होता है तो लेना पड़ेगा, आप बोलेगा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, आप बोलोगे तो भैया नहीं लूंगे, तो वो चॉइस ट्री में डालना ही मत, अगर तुम्हें वो चाहिए ही नहीं, तो वो एक प्रकार से जुआ होता है, ये बात आप याद रखना। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो है वो IITs के सिस्टम, IITs को छोड़ के NITs, IIITs, CFTIs, इनके लिए सीसेफ काउंसलिंग होती है, ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ NIT, IIITs, CFTIs, IITs के लिए सीसेफ काउंसलिंग नहीं होती, और ज्यादातर लोअर ब्रांचेस और कोर ब्रांचेस ही आपको वहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पे मैक्स टू मैक्स रैंक तक आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट मिल जाए, क्योंकि काउंसलिंग की ये पूरी कोशिश रहती है सीसेफ की कि भाई उनकी कोई भी सीट खाली ना बचे लास्ट तक। तो इसलिए वो जैसे भी जिसकी रैंक है वो देने की कोशिश करते हैं, और सीसेफ राउंड तक बच्चे भी बहुत कम हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही मेरा मेन पॉइंट था कि ये सब आपको याद रखना है सीसेफ राउंड के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। देखो, अनअकैडमी पे 3rd of November से एक बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है डिवीजन बैच, जो कि JEE मेन और एडवांस दोनों के लिए 2022 एस्पायरेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपको टॉप फैकल्टीज़ जैसे रणविजय सर, सुयेश सर, गौरव सर, कपिल राणा सर और आशीष सर मिलेंगे। आप यहाँ जाइए, इनरोल कीजिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको डिस्काउंट चाहिए, मेरा कूपन कोड AMITSIGH आप इस्तेमाल करिए, आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी फ़ीस पे। तो जल्दी जाइए, इनरोल करिए।